एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। आज समाजवादी पार्टी के दोनों एमएलसी प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं। आज अखिलेश यादव ने सुबह 11 बजे सभी विधायकों को पार्टी दफ्तर बुलाया है। यहां वो दोनों एमएलसी प्रत्याशी नामांकन पत्र पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद दोनों उम्मीदवार सभी विधायकों के साथ विधान परिषद जाकर नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आपको बता दें, यूपी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बुधवार को अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी की एक सीट जीतनी तय है, लेकिन पार्टी ने दो नेताओं को प्रत्याशी बनाया है, जिनमें पहला नाम पूर्व मंत्री अहमद हसन का है, जबकि दूसरा नाम अखिलेश यादव के करीबी राजेंद्र चौधरी का है। इस सीट पर जीत के बाद सपा के पास इतने विधायकों की संख्या नहीं है कि वो अपने दूसरे प्रत्याशी को जिता पाए, क्योंकि सपा के कुल 49 विधायक हैं, जबकि एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत होगी। इधर लखनऊ में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान महान दल ने नारा दिया है कि उन्होंने ठाना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। महान दल की बैठक में केशव देव मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उनके नेताओं ने कहा कि प्रदेश में उनकी ताकत कम नहीं आंकी जानी चाहिए। वो सभी समाजवादी पार्टी को चुनाव में जिताएंगे और 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।